परम शरदीय महान विचारक सौम्यता और प्रखरता के धनी भारत के यशस्वी राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी, सभी अधिकारी वर्ग और देश के कोने कोने से जुड़े हुए आज राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान को पाने वाले सभी शिक्षक भाई और बहनों, मैं इस अवसर पर जबकि इस देश के महान दार्शनिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, मैं पूरे देशवासियों को और शिक्षक समूह को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महामहिम, जैसे कि आप विदिती हैं कि भारत के मनीषियों, आचार्यों और शिक्षकों ने पूरी दुनिया को लीडरशिप दी। इस देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जहाँ एतद् देश प्रसूत तस्य सकाशाद्यग्रे जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवः, ऐसे पूरी दुनिया के लोगों ने यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण की। और वही देश जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम् की इस भावना को जिसने प्रदीप्त किया, ऐसे हमारे आचार्य, हमारे अध्यापक गण ने हमारे देश का सम्मान हमेशा से ही विश्व में बहुत ऊंचा उठाया है। राजस्थान के जिला बाड़मेर में स्थित राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय सरूपोणी मालियों का वास की प्रबंधक अध्यापिका श्रीमती गीता कुमारी ने अपनी कड़ी मेहनत और गहरी प्रतिबद्धता से जिला में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई है। श्रीमती गीता कुमारी को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जिला बाड़मेर में स्थित राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय सरूपोणी मालियों का वास की प्रबंधक अध्यापिका श्रीमती गीता कुमारी ने अपनी कड़ी मेहनत और गहरी प्रतिबद्धता से जिला में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई है। श्रीमती गीता कुमारी को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।